तो ये वीडियो जो अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये बेसिकली मंजरे आम के ऊपर आई है, सोशल मीडिया के ऊपर चली है, जहां पे उनको हूट किया जा रहा है। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से जुड़े हुए उनके सपोर्टर्स की जानिब से जो है ये वीडियो वायरल हुई है। तो उसमें क्या कहा जा रहा है आप जरा खुद सुनिएगा। फॉर्म नंबर 47 पे बनी है, ये देखे हम लोगों के पैसों पे ये लोग अय्याशी कर रहे हैं। ये देखे ये मरियम नवाजी जो अपना झूठ बोल के आई है कि मैं अपने गले का इलाज करवाने आ रही हूँ, कहीं से ये बाप बेटी आप लोगों को लगते हैं बीमार, कहीं से ये लगते हैं। ये देखे मरियम नवाज, ये देखे सुदूर तरीन लोग, जाहिल लोग। तो ये आपने ये गुफ्तगू सुनी इस खातून की, उन्होंने उनको बुरा वाला जरूर कहा, लेकिन खुदा का शुक्र है। मैं अब आप हालात देखिए कि ये भी आज ये हालात हो गए कि खुदा का शुक्र है कोई गाली नहीं निकाली, वरना अब तो ये भी एक आम चीज हो चुकी है ना, मतलब हमारे यहाँ पे इतनी पस्ती हो चुकी हुई है कि वहां तक भी कहानी चली गई है। दूसरी बात ये कि ये मैं मरियम नवाज और नवाज शरीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान में कोई ये कर भी नहीं सकता था, आपके साथ कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह आपके ऊपर जो है इस तरह कमेंट किए जाए, लेकिन दिस इज यूरोप, दिस इज स्विट्जरलैंड, और आप किसी को रोक भी नहीं सकते अगर वो कोई इस तरह करे। तो नजर आती है ये जो दायरे के अंदर आपको साहब नजर आ रहे हैं, दिस इज चीफ सेक्रेटरी पंजाब जायद साहब और जायद जमान साहब, ये भी इनके साथ जो है वहां पे चलते फिरते नजर आ रहे हैं। तो इस पे लोगों ने बड़ी हैरानगी का इजहार किया कि भाई यहां पे लाहौर के अंदर इस वक्त स्मॉग की सूरत हाल है, मतलब मैं पहले भी इसके ऊपर बात कर चुका हूं कि सांस लेना दुश्वार हुआ, ये सूरत हाल है। तो देखने में प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम, और चीफ सेक्रेटरी एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान वो स्विट्जरलैंड के अंदर मौजूद है। चले मरियम नवाज का तो फिर भी मैं थोड़ा सा मार्जिन इस बात का दे देता हूं कि चले वो अपने इलाज मालजे के लिए गए, चीफ सेक्रेटरी साहब खैरियत से गए वहां पे, और वो भी चीफ मिनिस्टर साहिबा के साथ साथ ही वहां पे। तो ये बड़ा हैरानकुन लगा कि जनाब वहां पे पाए जाते हैं। दूसरा एक मैं चीज शेयर करना चाहूंगा, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जो है ये इस वक्त इन दोनों शहरों का एक मुआवजना है एयर क्वालिटी का। ये ऊपर जो आप देख रहे हैं 603, ये हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स है लाहौर का, 603 के ऊपर वो पहुंचा हुआ है, और निशान आप देख रहे हैं चेहरे के ऊपर, उसने कहा है कि ये वाला मास्क पहने, जो गैस मास्क होता है ना इसका निशान आ रहा है कि ये पहनना चाहिए। और जिनीवा जहां पे स्विट्जरलैंड जहां पे इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहिबा और चीफ सेक्रेटरी जहां पे मौजूद है और नवाज शरीफ साहब जहां पे मौजूद हैं, वहां का जो AQI है वो माशाल्लाह 58 है, और बहुत अच्छा मौसम है वहां पे इस वक्त। बल्कि दोनों ने तो फर कोट्स, मैं देख रहा था कि मरियम साहब ने तो फर कोट भी पहना हुआ, यानी मौसम बहुत अच्छा है। इवन टेम्परेचर आप देख सकते हैं कम से कम जो है वो 8 डिग्री 7 डिग्री टेम्परेचर। स्विट्जरलैंड वैसी बड़ी खूबसूरत जगह है। तो अपना शहर जहां पे अपना घर है, जहां पे अपनी जंपल है, जहां पे अपनी सियासत है, उसका ये हाल है। और इस मौके के ऊपर लाहौर के तकरीबन 1.5-2 करोड़, मुझे पता नहीं अब लेटेस्ट सेंसस क्या बताता है, लेकिन 1.5-2 करोड़ की जो आबादी है वो ये सांस ले रही है इस वक्त। और चीफ मिनिस्टर एंड द चीफ सेक्रेटरी पंजाब आर राइट नाउ इन स्विट्जरलैंड डूइंग व्हाट, आई डोंट नो कि वहां पे मैं फिर दोबारा कहूंगा मरियम साहब को, तो फिर भी शायद मैं इस बात का मार्जिन दे दूं, लेकिन चीफ सेक्रेटरी क्या कर रहे हैं वहां पे, आई डोंट नो व्हाट इज डूइंग ओवर देयर।